Students, let's we start exercise 5.1. There are 30 questions in this exercise. The question number 1 till exercise 30. The first क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग. फैक्टराइज करने हैं आपको. फैक्टराइज करने के लिए आपने लास्ट क्लासेस में यू हैव लर्न 4 फैक्टर्स, 4 मेथड ऑफ टू डू फैक्टराइज. द फर्स्ट है के ए. इफ द क्वेश्चन इज के ए प्लस के बी प्लस के सी, देन टेक आउट के इज कॉमन एंड द रिमेनिंग इज ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है, फैक्टर्स होंगे के ए के बी के सी के इंटू ए प्लस बी. दिस मैथड इज कॉल्ड टेक आउट द कॉमन मैथड. ठीक है, एंड द सेकेंड मैथड इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस भी हो सकता है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मैथड कहलाता है. दिस इज इक्वल टू ए प्लस और ए माइनस बी होल स्क्वायर. ठीक है ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर या ए प्लस बी होल स्क्वायर. ये सेकेंड मेथड है फैक्टराइज का. इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं. द थर्ड मेथड इज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड, यानी इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, द फोर्थ एंड लास्ट मेथड इज by middle term break x square plus px plus q. if the question is then is it's equal to x plus a into x plus b, where p is equal to a plus b होगा और q जो है वो a into b, product of a b होगा q and sum of a b is equal to p. okay, now come to question number 1. question number 1 है exercise 5.1. फैक्टराइज द फॉलोइंग. फैक्टर्स बनाने हैं 3t2n माइनस 6t2n माइनस 3 प्लस 9t2n माइनस 5. फर्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे, कॉमन टेक आउट कॉमन, लेकिन सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे. फैक्टर्स बनाएंगे तो 3tn t2n, ठीक है, इसके फैक्टर्स ऐसे होंगे. 6 के फैक्टर्स बन जाएंगे 2 इंटू 3 एंड t रेज टू पावर 2n एंड इंटू t रेज टू पावर माइनस 3. ओके, एंड प्लस 9 के फैक्टर्स बन जाएंगे 3 इंटू 3 और t रेज टू पावर 2n इंटू t रेज टू पावर माइनस 5. आपने पहले इन तीनों टर्म्स के फैक्टर्स बना लिए. अब टेक आउट करेंगे कॉमन. द कॉमन इज 3 इंटू t रेज टू पावर 2n. कॉमन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है. टेक आउट द कॉमन ऑल दीज टर्म. 3t2n कॉमन आ गया. द रिमेनिंग इज 3t2n कॉमन चला गया. रिमेनिंग इज 1 को 3 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3t रेज टू पावर 2n आएगा. ठीक है, कॉमन टेक आउट करने के बाद जब आप ब्रैकेट से कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए. ठीक है, माइनस t इंटू 3 कॉमन चला गया, t रेज टू पावर 2n कॉमन चला गया. आपके पास रिमेनिंग रहा 2 इंटू t रेज टू पावर माइनस 3. ओके, फिर प्लस 3 कॉमन चला गया, 3 रिमेनिंग, t रेज टू पावर 2n कॉमन चला गया, फिर इंटू t रेज टू पावर माइनस 5. ओके, अब देखें यहाँ हमारा कंप्लीट होगा, लेकिन माइनस नेगेटिव पावर हमें आंसर में नहीं देनी है. हमें सिंप्लीफाई करके पॉजिटिव पावर देनी है. 3 रेज टू पावर 2n इंटू 1 माइनस 3 पावर अपॉन में आके पॉजिटिव हो जाएगी. 2 अपॉन 3 रेज टू पावर 3 प्लस 3 अपॉन t रेज टू पावर 5. ये आपका आंसर है. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. सिमिलर क्वेश्चन है सेकेंड एंड थर्ड. सेकेंड क्वेश्चन सिमिलर है, आप खुद कीजिएगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मैं स्टार्ट करवाती हूँ. The question number 3 is AB plus CD whole square minus AC minus BD whole square. We know that difference of square formula कि हमें पता है कि A square minus B square is equal to A plus B into A minus B. अभी मैंने आपको 4 मेथड बताए थे, उसमें से एक डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड था विद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी. तो अब ये होल ब्रैकेट हमारे पास ए स्क्वायर है, ये होल ब्रैकेट हमारे पास बी स्क्वायर है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इज इक्वल टू ये होगा ए बी प्लस सी डी प्लस ए सी माइनस बी डी. ओके, ए प्लस बी के थ्रू. और नेक्स्ट हमारे पास होगा ए बी प्लस सी डी माइनस ए सी माइनस बी डी. ओके, यह हमारा आंसर कंप्लीट होगा, लेकिन हमें मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना होगा. ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस सी डी प्लस ए सी माइनस बी डी. ओके, प्लस मल्टीप्लाई होगा, साइन अंदर के चेंज नहीं होंगे, एज इट इज साइन रहेंगे. नेक्स्ट ब्रैकेट है ए बी प्लस सी डी माइनस, माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस से, प्लस माइनस माइनस ए सी और माइनस इंटू माइनस प्लस बी डी. ये हमारा आंसर है. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. द फोर्थ क्वेश्चन इज 2x² y³ प्लस 2x4y माइनस 3x³ y² माइनस 3xy4. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट कॉमन लेने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अरेंज कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x. अरेंज विद रिस्पेक्ट टू x. अकॉर्डिंग टू x आपने अरेंज करना है. सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. सबसे पहले बिगेस्ट पावर 2x4y, ठीक है. फिर आपके पास है 3x माइनस 3x³ y², डिसेंडिंग ऑर्डर में x जा रहे हैं, ठीक है. फिर उसके बाद है प्लस 2x² y³ एंड लास्ट में आपके पास आ जाएगा माइनस 3xy4. पहले आपने अरेंज कर लिया इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, नाउ टेक आउट करेंगे कॉमन. पहले ऑल दीज टर्म में से टेक आउट करेंगे कॉमन, तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है xy, ठीक है. एंड द रिमेनिंग इज 2x³, यहाँ से 2x³ रिमेन्स रहा, फिर माइनस 3x² y, क्योंकि xy कॉमन चला गया, प्लस 2xy² बिकॉज xy इज कॉमन, माइनस 3y³. ओके, ये आपके पास रिमेनिंग रहा. अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम ग्रुप बना लेंगे, पेयर बना लेंगे फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स का, ठीक है. तो फर्स्ट टू टर्म्स के पेयर में से आपके कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इज x². आप देखें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x². तो आप x² टेक आउट करेंगे कॉमन और रिमेनिंग आपके पास क्या रहेगा 2x और माइनस 3x² y में से x² कॉमन चला गया, तो आपके पास क्या रिमेनिंग रहा 3y. ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, इन दोनों का पेयर बना लिए, इनमें से क्या कॉमन रहा प्लस y². ओके, यहाँ से y² कॉमन टेक आउट करने पर 2xy² में से रिमेनिंग रहा 2x एंड माइनस 3y³, में से y² कॉमन टेक आउट करने पर 3y रिमेनिंग रहा. अब देखें 2x माइनस 3y कॉमन ब्रैकेट है, इसको कॉमन टेक आउट कर लेंगे, टू एक्स माइनस 3y, ये आपका कॉमन ब्रैकेट आ गया. और नेक्स्ट ब्रैकेट आपके पास क्या रहा रिमेनिंग, यहाँ से x² बचो प्लस यहाँ y². ओके, यही आपका आंसर है. सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का, और क्वेश्चन नंबर 5 यू कैन डू योरसेल्फ